इस समय भागलपुर के दियारा क्षेत्र में हूँ और यहाँ पंचायत प्रतिनिधि लोग से हमारी बातचीत हो रही है। 2019 का चुनाव किस करवट बैठने जा रहा है, हम इसी मुद्दे पे बात करने के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्र, ताकि आप सबों को मैं यहाँ की ज़मीनी हकीकत बता सकूँ। उस ज़मीनी हकीकत को दिखाने के लिए हमने ये भागलपुर से लगभग कह सकते हैं कि 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पे एकदम से दियारा क्षेत्र में आया हूँ और पहली बार अपना लाइव की टीम दियारा क्षेत्र का भ्रमण कर रही है। आइए मैं बात करते हैं करता हूँ। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सर ये बताएं कि 2019 का चुनाव दो मंडल की लड़ाई में यहाँ की जनता कैसे फंसी हुई समझ में आ रही है या कुछ उम्मीद जगी? देखिए, जनता को जो उम्मीद था उस पर NDA गठबंधन ने पानी फेर दिया। सरकार नरेंद्र मोदी जी की बनेगी, लेकिन दुर्भाग्यवश भागलपुर लोकसभा की सहभागिता उसमें नहीं हो पाई। निर्वर्तमान सांसद बुलो मंडल जी ही पुनः निर्वाचित होकर दिल्ली जाएंगे, ऐसा आप मानते हैं? ऐसा क्षेत्र की जनता के साथ पार्टी ने NDA गठबंधन ने किया है, जनता ठगी महसूस कर रही है। ये आपको लगता है कि केंद्र में सरकार तो नरेंद्र मोदी की होगी लेकिन भागलपुर में अजय मंडल जीतने नहीं जा रहे? केंद्र में मोदी की सरकार होगी, भागलपुर की सहभागिता उसमें नहीं हो पाएगी, ये भागलपुर का दुर्भाग्य। सर शाहनवाज हुसैन अगर होते तब क्या होता? शहनवाज हुसैन होते, भाजपा का बहुत फर्टाइल क्षेत्र था। शहनवाज हुसैन होते अगर हमारे प्रदेश भाजपा के प्रदेश नेतृत्व को ऐसा शहनवाज जी के चेहरा से कुछ दिक्कत था तो और किसी पार्टी कार्यकर्ता को लड़ा देना चाहिए था। पार्टी ने इस सीट को देकर आत्मघाती कदम उठाया। यहाँ के युवाओं में या नए जो मतदाता है उनमें या गार्जियन तुल्य जो भी वृद्ध लोग हैं उनकी क्या सोच बिल्डअप हो रही है? यहाँ के मतदाताओं ने एक मन बना लिया था कि हमारे सांसद शहनवाज हुसैन होंगे। अब शहनवाज हुसैन के विकल्प के तौर पर अभी जिनको NDA ने टिकट दिया है वो कहीं टिकते भी नहीं, तो लोग के पास बहुत उहापोह की स्थिति है। अब है कि दो मंडल में जो अच्छे मंडल होंगे उनको चुन लेना है, तो निर्वर्तमान सांसद निसंदेह उससे अच्छे हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो ग्रामीण विकास हुआ है कहीं वो भी बाधक हो रहा है क्या? आदर्श आचार संहिता के चलते पंचायत का सात निश्चय के काम को काम में रुकावट आया है, जो आचार संहिता के चलते रुका हुआ है। जो पूर्व से चल रहा था वही काम, वही सारी स्कीम, ऑनगोइंग स्कीम ही चल पा रही है, नया कोई काम पंचायत स्तर पर भी बंद है। आंगनबाड़ी और मिडिल स्कूल में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और भोजन की बात सरकार के दावे हो किए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? सरकार ने जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और भोजन की व्यवस्था की है उसका स्कूल के शिक्षक द्वारा धज्जी उड़ाया जा रहा है, उसमें लूट मचा हुआ है। शिक्षक बच्चों के बदले स्वयं उसका भोजन कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के वोटरों को क्या संदेश देना चाहिए? यहाँ के वोटर को अच्छे विकल्प को चुना, किसी चरित्रहीन आदमी को भागलपुर का सांसद न बनाए, यही मेरा आग्रह। 2019 में किसकी सरकार बननी चाहिए? मोदी को क्यों, राहुल को क्यों नहीं देना चाहते? मोदी सब काम कर रहा है तो मोदी ही सब काम कर रहा है ना। अच्छा, सब काम मोदी कर रहे हैं इसलिए। किसकी सरकार चाहते हैं? मोदी सरकार। आपको क्या फायदा मिला? बिजली उजली मिला है?